मॉर्निंग फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है हम लोग का 10:02। और क्या बोलते हैं, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये 15 मिनट का कैंडल है जो कि हमारा जो है कि अभी यहाँ पे है, देख लो अब खुद जो है कि स्टार्टिंग हो रहा है। और ये मेरे कॉल पुट के हैं, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लिया हूँ क्योंकि मेरे प्राइस रेंज में रहे। और ये मेरे निफ्टी और जो है कि तो थोड़ा सा इतना गिरने के बाद यहाँ पे देखिए लो के बाद होल्ड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि हमारा ये अभी मान लीजिए कि है, लेकिन होल्डिंग तो दिखा दिया पिछले 20 मिनट में, ठीक है। ये रिलायंस है जो कि अभी नीचे है, तो यहाँ पे अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, ऐसा नहीं हिट किया, ठीक है। ये बैंक निफ्टी है जो कि वहाँ पे होल्ड करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये कॉल के प्रीमियम है। हालांकि मैंने देखो यहाँ पे जो सोचा था कि ये 15 मिनट का जो कैंडल है, ये वहाँ पे रेड दिखा रहा था स्टार्टिंग के कितने मिनट में भाई साहब, और स्टार्टिंग के 3 मिनट अभी हुए हैं। लेकिन इसने क्या किया कि ये जो मैंने लाइन खींचा हुआ है जो भी लेवल देख के, यहाँ से होल्ड कर रहा है, लेकिन अभी भी ये 9 और 15 EMA के नीचे है। तो मेरा जो है कि वो है ये पुट साइड के लिए ही अभी माइंड में है, ठीक है। तो मैंने अभी ट्रेड बनाया नहीं है क्योंकि अभी पूरा सिनेरियो क्लियर नहीं है। ये कॉल पुट के प्रीमियम है और ये आपके 5 मिनट पे जो है कि निफ्टी है जो कि 9:15 EMA के नीचे है। अगर ये ऊपर भी जाएगा तो हमारा 9:15 EMA से जो है कि रिजेक्शन ले सकता है। रिलायंस चूँकि वीक है और ये वीक है, तो मैं यहाँ पे पुट साइड में जो है कि एक ट्रेड जो है कि देखता हूँ लॉजिकली, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट का कैंडल भी इस तरीके से दिखा रहा है कि ब्रेक तो नहीं करेगा, ठीक है, नीचे ही आएगा। तो हम लोग देखते हैं, अभी देखते देखते ये प्रीमियम जो है कि 16 हो गया, लेकिन फिर भी आते हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पहले वो देने में, रनिंग कमेंट्री देने में थोड़ा सा ट्रेड भागने जाए, फिर भी देखते हैं भाग जाएगा तो भाग जाएगा, कहाँ जाएगा। 21,200 है क्या ना कि आउट ऑफ द मनी में थोड़ा सा प्रीमियम जो है कि स्लो वोलेटाइल रहता है, लेकिन मेरा पोजीशन जो है कि सही बनता है। 16 रुपया 17 रुपया यहाँ पे हम लोग जो है कि 200 क्वांटिटी बनाते हैं, ठीक है, बना दिया मैंने। और ये पोजीशन मैंने जो है कि बनाया है 16.65 पे। अब इस कैंडल लो का हम लोग जो है कि काट देते हैं, हालांकि इसमें कैंडल लो नहीं चलता आज के दिन में, ठीक है, फिर भी कुछ तो SL रखना होगा साहब, SL इसका रखना पड़ेगा। लो कितना है, 15 रुपये 25 पैसा, कुछ तो रखना पड़ेगा। कटे कटे मॉडिफाई 15.25, देखो ये बहुत ही फास्ट रहता है, पूरी तरीके से गैम्बलिंग ही कह लो आप, ठीक है। मे बी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मैं कह नहीं सकता। ये भी चल रहा है आपका, यहाँ से 5 मिनट का कैंडल तो बुलिश बना दिया है, तो मेरा यहाँ पे असर कट जाएगा। तो यहाँ पे आप रुक नहीं सकते, स्पाइक में ही लेना होगा, ये यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये अच्छा खासा थाम दिया है, ठीक है। 15 मिनट का जो कैंडल है तो वोलेटाइल में एंट्री जो है कि राइट पॉइंट पे नहीं बन पाई है, तो यहाँ पे हम लोग का पोजिशन कट गया। लेकिन कितना ये भी तो देखना है, अगर मैं 200 क्वांटिटी लेता परफॉर्मेंस में चलते हैं, यहाँ पे जो है कि 280, मतलब कि हमने 1 रुपये के आसपास लिया था, 280 जो है कि गया है इसमें। लेकिन ऊपर जाने के लिए इसके पास रास्ता वास्ता है नहीं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी यही ट्रेड पॉजिटिव में दिखाई देगा, 15 रुपया 45 पैसा, चलो ज़्यादा नहीं 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ। 100 क्वांटिटी लेके देखता हूँ क्या सिनेरियो बन रहा है, तोड़ता है कि नहीं तोड़ता, अभी मुझे देखना है ना, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। 15 नीचे आएगा वो भी अच्छा है, ठीक है, ऊपर जाएगा वो भी अच्छा है। हालांकि ये कंटिन्यू जो है कि 10 बज गया, मतलब कि पिछले लगभग 1.25 घंटे से गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉल वाले होल्ड कर रहे हैं पिछले 15 मिनट में, तो मे बी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। बट मेरा ये है कि यहाँ से जब गिरेगा तो जो स्पाइक देगा ना, वो आपको जो है कि काफ़ी वेट करने के बाद मिलेगा। तो 15 रुपये 80 पैसा, और नीचे का देख लूँ क्या, देखो सब देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि सिनेरियो तो क्लियर है। इसमें हम लोग 21,100 भी ऐड करते हैं, 21,100, 21,200, 7 रुपये 15 रुपये चल रहा है। तो अभी ये देखना है क्योंकि भैया शॉर्ट कवरिंग हुई, तो फिर जो है कि आपको दोनों तरफ की चीज़ों का ध्यान रखना है। ये कॉल का 5 मिनट का कैंडल भी जो है कि सपोर्ट कर रहा है, इनमें से रिजेक्शन लेता है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, ये देखो ये भी एक अच्छी खासी होल्डिंग, क्योंकि देखो पिछले कैंडल का हाई एंड लो ब्रेक करना ही आपके लिए एक जो है कि वो होता है कि भाई किधर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हालांकि एमए से रिजेक्शन प्लस ये चीज़ें दिख रही हैं, और 15 मिनट का कैंडल ये दिखा रहा है कि शुरू का मायने रखता है कि भाई अब
5 मिनट 7 मिनट होल्डिंग दिखा दिया है, लो को दोबारा नहीं ब्रेक किया, हाई पे हाई बन रहा है। तो ऐसे ही है कि किसी तरफ तो कैंडल मूव करेगा, ठीक है, तो जिस तरफ मूव करेगा जो टाइमिंग होती है उसी के हिसाब से जो है कि ट्रेड बनता है। ये भी 18 से 28 हो जाएगा या तो ये 15 से 30 हो जाएगा। अभी आपको 2 मिनट के अंदर ये दोनों चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, दो में से एक चीज़ होना है यहाँ पे तय। अब क्या होना है ये जो है पता चलेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू अभी तक तो गिर रहा था, यहाँ पे होल्डिंग बनाया है, और ऐसे में शॉर्ट कवरिंग आती है और बैंक निफ्टी में तो अचानक आ जाती है, लेकिन HDFC अभी जो है और EMM के जो नीचे है वो सिनेरियो बताता है कि कहाँ जाना है। तो अभी क्या है ना कि अभी आप 20 पोजीशन बनाओगे, इसमें बनाओगे, उसमें बनाओगे, इसमें बनाओगे, उसमें बनाओगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जिसमें बन जाएगा बन जाएगा, अपोजिट बनेगा उसमें भी कट जाएगा। तो ये इतनी भयंकर गैम्बलिंग नहीं करनी। एक बार मैंने बनाया, ठीक है, कि मुझे लगा, लेकिन अब यहाँ पे अपोजिट कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जिनका भाई जो है कि वो रहे, ठीक है, उस समय, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, ऐसे समय पे क्या होता है। तो वी आर राइट, ठीक है, वी आर राइट, ये क्लियर वो दे रहा है इंडिकेशन। एक ट्रेड यहाँ पे और बनता है, क्या क्या है, क्रोम खोल रहे, क्रोम पे ट्रेड तो नहीं बनाना है, ये कोई हड़बड़ी नहीं है, 7 रुपये 50 पैसे का ही बना देता हूँ मैं आपको, लेकिन वो उतना फास्ट वोलेटाइल नहीं करता है जितना फास्ट ये करेगा। इसको हम लोग 500 के आप बनाओ, 200, थोड़ा इज्जत से चलना है, ठीक। अब देखो कितने खरीदाया जाके, 16 रुपये 85 पैसा पे ना मॉडिफाई, 16 रुपये 60 पैसा। इसमें ये एस्ट्रल नहीं समझ में आता कहाँ लगाऊँ, पूरा तो दे नहीं सकता साहब, लोग कुछ तो सोच के लगाना ही होगा। लो इसका 14 रुपये 65 पैसा, 14 रुपये 65 पैसा। अब आपको दिखाऊँ इसमें क्या चल रहा है, ठीक, 16 रुपये 65 पैसा। और मैं आपको दिखाता हूँ इस स्पाइक को कैच करने के लिए फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है, ये 18 19, ठीक है, हम लोग उसमें चलते हैं, नहीं तो कैसे नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा, ठीक, क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं ना। 18 19 का जो है कि वो दिया है स्पाइक, बट अभी मेरे फेवर में ही रहेगा। अब मैं जो लो लगाया हूँ वो नहीं तोड़ेगा जहाँ तक मुझे भरोसा है। मैं कुछ बोल क्यों नहीं रहा हूँ पता हो, क्योंकि आपको ये दिखाता हूँ, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक, और ये देखना भी ज़रूरी है। मैंने इसी को बेस बना के लिया था, ठीक है, कि अब हाई बना के नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ, नीचे की तरफ इसके लिए काफ़ी बड़ा रास्ता खुला हुआ था, ठीक है, और पिछले 15 मिनट कैंडल के ऊपर क्लोज किया, मतलब कि उसके लो को नहीं ब्रेक किया अभी तक, अच्छी बात है। और यहाँ ब्रॉडर मार्केट में हमारा जो है सिनेरियो, रिलायंस अभी भी वीक है और HDFC वीक है, बैंक निफ्टी तो टोटली वीक है, ठीक है, लेकिन प्रीमियम का बोले टाइल देखो, 19 गया था उसके बाद फिर आ गया यहाँ पे, तो SLS तो इसमें काम नहीं करता, ये स्विंग लो के नीचे मैंने ऐसा लगा दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मिनट में ही ये प्रीमियम जो है कि जाएगा, कहाँ जाएगा पता है, सीधे 16 से 26 हो जाएगा, ठीक है, 26 से 36 हो जाएगा, मतलब 16 26, क्योंकि उसके बाद तो लोग अपने आप बुक करने लगते हैं। लेकिन अगर मेरा ये असल नहीं टच किया तो ये डायरेक्शन तो अब काफ़ी हद तक, देखो इसी 15 मिनट के एक कैंडल में जैसे जैसे वो कैंडल बीतता गया वैसे वैसे आपका डायरेक्शन क्लियर होता गया। एक तो आपने कैंडल स्टार्ट होते ही ले लिया, तो अब एक चीज़ याद रखना कि आपने कल भी देखा आज भी देखा कि स्टार्टिंग में 15 मिनट के कैंडल में जितना वोलेटिलिटी होती है, अगर आप लगातार उसी को देख रहे हैं तो अंतिम 2 3 मिनट तक आते आते आपको एकदम क्लियर सिनेरियो मिल जाता है कि इस कैंडल में क्या होने वाला है। जो मूवमेंट आने वाला रहता है वो अंतिम 15 मिनट में ही आता है जो है, ठीक है। तो अभी जो है कि ये था, इसमें एक स्पाइक दिया लेकिन 19 तक गया था, 20 तक, 16 3 19 3 2 6, तो फिर ये उस हिसाब का नहीं था जैसा हम लोग चाह रहे थे, ठीक है। अभी भी अपने फेवर में ही है, अभी भी हम लोग इसमें पॉजिटिव ही हैं, ठीक है, पूरी तरीके से जिस ट्रेड को लिया हूँ और कॉन्फिडेंस भी झलक रहा होगा बातों में, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अभी दिखा रहा है कि अभी हम लोग के साइड ही है। क्योंकि देखो और बस ये क्या होगा कि भाई आप लोग अपना लो बचा लो जो है कॉल वाले, या तो फिर जो है कि आप लो तोड़वा लो, दो में से एक चीज़ करोगे। प्रीमियम दोनों केस में जो है कि वोलेटाइल ही रहता है हमारे डायरेक्शन में। अभी अंतिम 2 मिनट, अब इसमें मजा आएगा, क्योंकि
क्योंकि अंतिम 2 मिनट को मैं 2 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी मुझे वो मिलती है। अभी देखो, अभी आप कॉल पिट का प्रीमियम देखना, ठीक है? कॉल वाले खुद को होल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है? फुट वाले पढ़ने के लिए एकदम आतुर हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। इसके बाद या तो मेरा एसएल हो जाएगा या तो मुझे टारगेट मिल जाएगा, दो में से एक चीज़ें हो जाएंगी इस 2 मिनट में, ठीक? अब ये प्रीवियस लो जो है कि अभी आप कंटिन्यू देखते रहना इसको प्रीमियम को, ठीक है? प्रॉफिट उसी हिसाब से चल रहा होगा, आपको दिखा दो, नहीं तो फिर जो है कि आप कहोगे कि मैं लॉस में, लॉस में तो इसमें मैं करता ही नहीं हूँ, ठीक है? अभी भी जो है कि हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे हैं, ठीक है? तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना है, ठीक है? इसको देखना, ये प्रीवियस लो इसका क्या था भाई साहब? इसका प्रीवियस लो जो है कि 21,355 था और ये है जो है कि 360, तो उसी को जो है कि डिफेंड करना चाह रहा है, ठीक है? तो बहुत से लोग पोजिशन बना के बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है? देखते हैं, बहुत से लोग सही भी होंगे, बहुत से लोग गलत भी होंगे, हम लोग किस दिशा में होते हैं, सही वाले गलत। अभी एक स्पाइक मारेगा हम लोग कैंसिल कट जाएगा, क्योंकि 1 रुपये का एसएल लिया हूँ कि वो भी नहीं लिया हूँ, तो ये देखना है। ये मैं ये चेक कर रहा हूँ ना कि एक्सपायरी के दिन क्या होल्डिंग चलती है कि नहीं, नॉर्मल रूल्स जो होते हैं उस पर रुका जाए कि स्पाइक में जो है कि एसएल चला जाएगा, और ये चीज़ें ऐसे ही पता चलेंगी इसको लाइव को देख के ही जो है। अभी आप ओवरऑल देख रहे हो कि ये हमारा जो है कि निफ्टी आईटी है, ठीक है? आप देखो खुद समझो, ये जो है कि निफ्टी फिनेंस है, ये HDFC है, और ये जो है कि हम लोग का निफ्टी बैंक है। और क्या कैमरे का थोड़ा सा वो बदलेगा क्या एंगल फुल कुछ बदला? हाँ बदला तो होगा, ठीक। और ये जो है कि हम लोग का 5 मिनट का कैंटिल है, और ये जो है कि हम लोग का कॉलर पुट है, ठीक है दोनों। और ये हम लोग का 15 मिनट का कैंडल है। तो ये अब दिखा दिया कि भाई साहब हमने जो है कि थोड़ी सी होल्डिंग जो है कि कर ली है प्रीवियस लो को तोड़े बिना। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव कौन लेगा इसको, जैसे पिछले लो का अगर कैंडल नहीं तोड़ा है उसको पॉजिटिव कौन लेगा? कॉल राइटर, सॉरी, जो कॉल की तरफ जिनका जो है कि वो है, ठीक है? और ये हम लोग का रिलायंस जो थोड़ा सा तेज़ी दिखाया, तो हम लोग का जो है कि यहाँ पे कास्ट टू कास्ट निकल जाते हैं। लेकिन अब तरीका क्या है ना, थोड़ा सा बदलना होगा, ऐसा नहीं अलग बात है, लेकिन या तो SL टच करो या तो टारगेट करो, ठीक है? तो ये जो है कि 15 मिनट का कैंडल है जो कि ये भी होल्ड कर लिया। अगले 15 मिनट का कैंडल की स्टार्टिंग जो है कि मायने रखती है। ये तो अपने 9 MA के नीचे ही स्टार्ट किया भाई साहब, ठीक है? और इसका इस 15 मिनट में 9 MA जो है कि दिखा रहा है आपका 375, 385 और चल रहा 370, ठीक है? तो ये देखो बेचारा एकदम मर रहा है, वही क्या करें। लेकिन अब जो है कि क्योंकि कॉल वाले थोड़ा सा जो है कि वो लेते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है? यही होता है ट्रेडिंग, ठीक है, जिसमें आप जानते कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने पोजीशन थोड़ा लॉजिक बेस्ड पे बनाया है और सही आपको लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा SL भी आपके पॉजिटिव फेवर में चला जाता है, ठीक है? तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने वही लॉजिक लगाया कि भाई कंटिन्यू गिर रहे हो, ठीक हो, और जो है कि थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे कि एक बड़ी कैंडल बननी चाहिए। कुल मिला जुला के देखो कैंडल, अगर आपके डायरेक्शन में बड़ी कैंडल बन गई 15 मिनट के बेस पे, तो प्रीमियम तो वैसे ही उछलना है। 5 मिनट का कैंडल उसी का जो है कि छोटा रूप होता है, हाँ, उसमें भी आपको सिनेरियो दिखता है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे देखो, ये अब जो है कि मेरे पुट का प्रीमियम है, ठीक है, जिसने हमने 1 रुपये का ही SL लगाया था, लेकिन चूंकि 15 मिनट के कैंडल को बेस बना के लगाया था, तो जो है कि अब इसमें देखो फ्राइडे को, सॉरी, एक्सपायरी को केवल केवल स्पाइक पर ही बुक करते हो, तो ये 15 मिनट के कैंडल का स्पाइक है। अब ये देखो, देखे कहाँ पहुँचा है, तो ये आपको इसमें दिखाता हूँ मैं, देखो, ठीक है? अब इस स्पाइक में इसको बुक कर लिया जाए कि 15 मिनट होल्ड किया जाए, ठीक है? इस स्पाइक में इसको बुक कर लिया जाए कि होल्ड किया जाए, सोलो लिया गया 380, अभी चलो मैं थोड़ा सा ऐसे एक मेंट्री देता हूँ, क्योंकि इसमें मैं इसको ये देख रहा हूँ ना कि क्या मतलब इसका वो रहता है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए रुके थे, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, तो भाई उसको क्यों ना बुक किया जाए, ठीक है? अभी हम लोग को 20% का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि 20% पाने के लिए हम लोग न जाने कितना वेट करते हैं जो है कि अनजाने दिन, ठीक है? तो 21%, ये परसेंटेज आपके जो पैसा लगाया उसके हिसाब से रहता है। जैसे इसमें मैंने 3,000 रुपये लगाया था,
उसके हिसाब से भाई जो है कि 20% बहुत है, लेकिन ये देख रहा हूँ कि इसको जो है कि जो हमारे प्रॉफिट का ट्रेड है इसको अभी मैं 15 मिनट का 3 मिनट हुआ है, ठीक है, और डायरेक्शन हमारा ही है 23, ठीक। इसमें डायरेक्ट स्पाइक में ही बुक किया जाता है, 21, नो कन्फ्यूजन, जो आपका तरीका है उसी पे जो है कि आप कायम रहो। हम लोग ने इसे 1,050 रुपये पे जो है कि बुक कर दिया, ठीक है। और इसमें भी दो चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आप जब डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे मारते हो तो मार्केट ऑर्डर पे जब जैसे कि ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, उस तरफ, अगर उस समय आप जो है कि मार्केट ऑर्डर पे मार रहे हो तब आपका जो है कि हाइयर प्राइस पे बिकता है, ठीक है। और ये जब गिरता, अक्सर लोग जो है कि कब बेचते हैं पता है, ये जब ऐसे जब रेड बना दिया ये गिरने लगा तब इसमें इसको जो है कि सेल करेंगे। तो आप जो ऑर्डर मारोगे उसके बाद प्राइस उसके नीचे मूव कर रहा है तो मार्केट ऑर्डर पे उसके नीचे ही होगा ना। और लेकिन इस समय है, इस समय जैसे आपको पता है कि यहाँ से मुझे जो है कि इसको सेल करना है, ठीक है। तो इस समय जब स्पाइक दी, जैसे फर्स्ट स्पाइक में मैंने इसको नहीं बुक किया प्रॉफिट, लेकिन जो है कि सेकेंड स्पाइक जब गया तो मुझे पता था अपर साइड में जा रहा है, तो उस समय हमने बुक किया, तो हमारा जो भी हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया उसके थोड़ा सा ऊपर ही जाके लगेगा, नीचे जाने का कोई सवाल नहीं। जो लोग कहते हैं कि मारा 10 पे लग गया 6 पे, तो कब लगता है, जब यहाँ से रेड बने और तब जो है। लेकिन अभी हम लोग ने क्या किया कि हमें देखो क्या है कि इस कैंडल जो कहते हैं ना कि बड़ी कैंडल, अगर आपके डायरेक्शन में बड़ा कैंडल बन गया तो आप चाहे जिस मनी में लो, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, प्रॉफिट तो सब में होगी, बस किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में स्पाइक फास्ट होगा, किसी में स्लो होगा, लेकिन वो होता है। लेकिन ये है कि देखो, ये देखो बड़ा कैंडल बना, ये देखो बड़ा कैंडल बना, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, HDFC भी बड़ा बना, रिलायंस देखो खुद को होल्ड कर रहा है ना, ये रिलायंस जो खुद को होल्ड कर रहा है, अगर ये न गिरने को तैयार हो ना, यहीं से उठा दे तो ये स्पाइक जो आप 22 का देख रहे हो ना तुरंत 12 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही रिलायंस जो है कि साथ दे दे कि भाई मैं भी गिरूंगा, तो उसके बाद फिर जो है कि ये स्पाइक आपका 22 से 32 हो जाएगा, ठीक है। तो उतनी क्लियरिटी की जरूरत नहीं, जब हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमने जो सोचा था वहाँ पर सही हो गया, 1 रुपये के SL से अगर आप 20 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो तो फिर उसके बाद तो आप क्या करोगे, इससे ज़्यादा क्या करोगे। तो ये देखो कि एकदम परफेक्ट जो है कि सिनेरियो है, इस पे जो है कि वर्क किया जा सकता है, ठीक है। हाँ तो चलो सही है, एक ट्रेड हम लोग का सक्सेसफुल हो गया, अभी जो है कि अभी के लिए इतना काफ़ी है भाई, ठीक है, थैंक्स ब्रो, बाय।